हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। मॉनिटरिंग वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है डिफरेंट। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग विवेक, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। स्टार्ट कीजिए रानिया। इंडेक्स जो सेट करना है ना, इंडेक्स की सिचुएशन जोड़ दा, ध्यान से देखना। अकाउंट्स रिसीवेबल और उसके बाद लिखा है ना, अकाउंट्स पेबल। रिसीवेबल का मीनिंग होगा करंट असेट, भाषा अलग। पेबल का मीनिंग ना, उसके बाद देखो नीचे मॉनिटरी वर्किंग कैपिटल, चालीस माध्यम बावन हजार सेवेंटी टू माध्यम छत्तीस हजार। छत्तीस आंसर लेस करके ही दिया है। और इसके अंदर आप इंडेक्स कैसे लोगे वो इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स जो नीचे प्राइस इंडेक्स फॉर मटेरियल्स, प्राइस इंडेक्स फॉर फिनिश गुड्स। अब ये मटेरियल का जो इंडेक्स है किसमें अप्लाई होगा, रिसीवेबल में कि पेएबल में? रिसीवेबल। आप मटेरियल खरीदोगे तो उसका पेमेंट होगा कि नहीं? तो अब माइंड ये दौड़ा रहे बच्चों, प्राइस ऑफ इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर पेमेंट, नॉट फॉर रिसीव। अच्छा, फिनिश गुड, फिनिश गुड आप सेल करोगे उसमें इनकम होगी, इट इज फॉर रिसीवेबल। तो यहाँ क्या होगा, मॉनिटरी वर्किंग कैपिटल का सीधा वर्किंग नहीं होगा, रिसीवेबल और पेएबल का अलग वर्क करना होगा। ध्यान से देखो, अद्भुत कैलकुलेशन। एम डब्ल्यू सी ओ कई रीते कैलकुलेशन करो, जो जो बाकी प्रश्न दिया हुआ, पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक्चुअल, उसके बाद कन्वर्जन, उसके बाद सीसीए। अब यहां लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले करंट असेट्स, करंट असेट्स, दूसरा नाम रिसीवेबल का भी है ना? यस। और सेकंड पेज देखो, दिया है अकाउंट रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, वैल्यू बोलो, हेल्प करें वैल्यू में, 40,000। चलो उसके बाद लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, वैल्यू बोलो 72,000। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस देखना। डिफरेंस लो जरा, भी ऐसा फर्क डिफरेंस बा 32,000। अब क्या करोगे, हमारे इंडेक्स का लेवल में कितने इंडेक्स में फिनिश गुड्स, इंडेक्स में आया था फिनिश गुड्स। अब सीसीए में ऊपर कौन सा इंडेक्स आता है? ऊपर एवरेज होगा, एवरेज तो आपने दिया मानी शुक्र है, एवरेज का इशू आपने। अब देखो एवरेज इंडेक्स ऑफ फिनिश गुड कैसे निकालोगे, पूर्व बोलो, ओपनिंग लेस 150, क्लोजिंग सो डिवाइड बाय 2, सेटिंग करो जरा, कोई हेल्प मैंने करी 125। चलो देखना, ऊपर 125, ऊपर 125, नीचे नीचे तो इंफॉर्मेशन है, यहां देखो ओपनिंग इंफॉर्मेशन है तो नीचे आएगा ओपनिंग, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है तो नीचे आएगा क्लोजिंग, सेटिंग करो जरा 33,333। फिर यहाँ ये
उसके बाद सेकेंड अकाउंट पेएबल पर्टिकुलर्स एक्चुअल कन्वर्जन सीसीए। चलो इसके अंदर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट पेएबल ओपनिंग बैलेंस लग गया 22,000 उसमें से लेस करो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट पेएबल बोलो
और गियरिंग एडजस्टमेंट काउंट करना है, गियरिंग को फॉर्मेट करना है। रिवीजन बच्चों कल भी किया था हमने एग्जाम, यस बोलो फॉर्मेट बोलो। सबसे पहले ओपनिंग लाइन, फिर क्लोजिंग, यहां टोटल, यहां पर्टिकुलर। सबसे पहले बोरोड फंड, बोलो बोरोड फंड मत बोलो, करो प्रैक्टिस मत करो, बोरोड फंड बैंक लोन आएगा, यस बैंक लोन की वैल्यू 3,10,000, सेकंड में 2,60,000, चलो उसके बाद डिबेंचर आएंगे, यस एंड अभी बोरोड लोन क्या है 250,000 और है 2,00,000, चलो उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स भी आएगा, वैल्यू 40,000 50,000 टोटल करो तो 6,50,000, सेकंड बोलो तो 5,10,000 है 5,10,000, तो दोनों का टोटल करो 11,60,000 टोटल ओवरऑल फंड 11,60,000। चलो देखिए इसके इस तरह कंटिन्यू करें, चलो ओवरऑल फंड के बाद क्या आएगा, ओनर फंड, ओनर फंड बी। चलो ओनर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, चलो शेयर कैपिटल की वैल्यू 10,00,000 सेम ओपनिंग क्लोजिंग माने टोटल। चलो उसके बाद खाली रिजर्व फिक्स्ड एसेट्स का जो से डिटेल लिया था, स्टॉक वो कुछ भी नहीं है सर, केपा का केस है, हां सर केस बैलेंस का याद करो, मेमोरी तुम्हारे पास हो जाए, गुड एक्सेलेंट केस रही है, लेस केस बैलेंस बच्चे ब्रिलियंट केस बैलेंस बोलो 50,000 फिर बोलो 40,000 लेस कर दो 6 लाख एग्जैक्ट, सेकंड मार्क 4,70,000 अब टोटल करो 10,70,000 टोटल बोरोड फंड एग्जैक्ट जगह रखी, चलो रिजर्व आंसर को ले जाओ ना बता रहा 5 लाख कितने 5 लाख टोटल कर दो एक मिनट पैराग्राफ में फिक्स्ड एसेट स्टॉक नहीं इसका टोटल करो 31 ये हो गया आपका टोटल ओनर फंड, इसमें नाम देंगे बी, अब उसके बाद ओवरऑल टोटल करो तो मिल जाएगा टोटल फंड, कैसे करोगे ए प्लस बी अने ए नाम आप दो 6,00,000 + 15,00,000 21 हां बाजू में 470 + 16 27 अब अगर 31 + 10 = 70 41 70 नाम भी टैली करना था जरा सही है चलो इसके बाद क्या करेंगे कुल गियरिंग रेशियो चलो गियरिंग रेशियो का फार्मूला बोलो बोरोड अपॉन गियरिंग रेशियो इक्वल टू टोटल बोरोड फंड अपॉन टोटल फंड इनटू 100 बोरोड फंड क्या है हमारे को एक्सपेंडिंग वैल्यू कैसे करोगे जो नीचे टोटल फंड दिया है 4170 सेटिंग करो तो जरा 25.66 जवाब चेक करो पहले क्या आवाज बताओ अभी आओ 24.76 आओ के लोचा हमारा अपना तो गड़बड़ है टोटल में 810, 250, 40, 650 एमआरटी कैश बैलेंस 50,06,00,000 बराबर है अभी तो बोरोड फंड तो को 50,000 ये लोचा है प्रिंटिंग में चल रहा है चलो बोरोड ये टोटल चेक करो जरा टोटल नंबर ना ना और टोटल ना 310 प्लस 250 प्लस 40 470 हां बराबर है ऐसे अगर फर्स्ट ओपनिंग में लेस हो जाएगा चलो सुधार लो मेरे बुक में चेक करो ठीक है हम 550 लस है ओपनिंग होगा सर 6 लस अच्छा यहां 50,000 बदल दीजिए मर गए चाइनीज का तो गति कर लो और बराबर टाइम में क्या दवा करता है 15 + 550 20 लाख 50,000
क्या मैं टोटल चेंज कर दूं भाई? टोटल है 20 1020 1020 प्लस 31 4120 થઈ જશે 30 આ આપણે ચેક કરવાનું ભૂલ ના પડે 4120 ઉપર કેટલું થયું 1020 હવે ચેક કરો 24.76% करो 74280 एससी स्कॉल गियर गया है अब बच्चों बचे हैं दो ऑफलाइन क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में थी और बे पेपर में जो तुम लेके आओ तो बराबर नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करो और आज ये भी मेरी वन नेक्स्ट सैटरडे आप लोग पढ़ते हो फाइनल बराबर इन्फ्लेशन कोई भी नहीं सरस तैयारी कर लो यस कंटिन्यू द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ जय कंपनी लिमिटेड एज ऑन द डेट ऑफ 397 The information regarding to transfer of the year ending as on 31st 398 is as follows. Stock as on 31st 398 have been valued at ₹2 lakh. Fixed assets are to be depreciated by 10%. The balance of debtor and creditor have remained constant throughout the year. The following price was the general price index. You are required to prepare final accounts as per historical cost method and current purchasing power method after considering the changes in the price level due to inflation. Monetary working capital, MWC, gearing adjustment, 100% puchhay. Puchhay. Chana final account question 18, 19, 16, 3 years continuous bacho, 14 marks, 100% 100% chance hai sir. Chal, final account bolo to step number one bolo bro. Vivek, pehlo step bolo. Yahan se char step cover kar do. Statement of income okay statement of income mein particular then actual ab hum to nahi karta to bhi chala then conversion aur uske baad final account method cpp jab ccs hai cpp method of current purchasing power method aur rakhu jaisa example mujhe niche rakhi niche yes chalo statement of income yani isse one type of pnl account first part bolo sales value bolo 8 lakhs then expenses is block kar dete hain hamesha pehle actual data log karte hain less cost of sales cosa chalo cost of sales mein first word bolo opening stock chalo balance sheet jo bachcho 31 march 97 ka aur hame 98 ka data lena hai that means 97 is a opening balance stock le lo opening stock value bolo 150 balance sheet mari acha paragraph ma ho COGS માટે પરચેસ ક્યાં આપ્યો છે રાહત છે હા જો જોશો તમે આગળ એક્ઝામ્પલ માં બચ્ચો સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ઇનકમ બના કે દિયા હે આમ જનરેટ કરે ધ્યાન રાખના પરચેસ બોલો 3 લેક્સ ટોટલ કરો બોલો COGS નો મીનિંગ ઓપનિંગ પ્લસ પરચેસ માઈનસ નાના બાળકો ગાઈડ કરે હે નાના મળે દીપક મળે વાલી મરી ગયા હશે તો ઓનલાઈન જ મળે તો એન્ટ્રી કરી લો ચાલ कपड़े जल चार कॉलेज चार सेल माइनस सीओजीएस करो सेल माइनस है 500 550 ओके चलो फिर एक्सपेंडिचर ले लो ऑफिस एक्सपेंस हां ऑफिस एक्सपेंस बोलो 150,000 ऑफिस एक्सपेंस 150,000 चलो एना पछि बोलो पैराग्राफ में डेप्रिसिएशन आपसे यस डेप्रिसिएशन ले लो डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे डेप्रिसिएशन में बोला है 10% ऑन फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में जो एसेट साइड अच्छा एसेट साइड ना है अपन पर्टिकुलर में फिक्स्ड एसेट 6 लाख 6 लाख का 10% लो 6 लाख का 10% 60,000 चलो उसके बाद आफ्टर दैट डिबेंचर इंटरेस्ट अभी है कि दूजे नहीं पैराग्राफ दो चल ले स्टॉक ऑन 30% में 2 लाख फिक्स एज अ डेप्रिसिएशन 10% डेटर क्रेडिटर है कांस्टेंट लास्ट पैराग्राफ को सूचना नहीं पड़ती डिबेंचर लेना होगा हमें यस डिबेंचर आपके अच्छे 2 लाख का है बाद में रेट से जो 15% डिबेंचर
सूचना हो कि ना जाते रहो पड़े दैट इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट डिबेंचर इंटरेस्ट ना लो तो मार्क गया ब्रैकेट में 2 लाख * 15% ले लो 30,000 लेस करो नेट प्रॉफिट बोलो और जवाब चेक करो तो आगे बढ़िए भाई इनकम स्टेटमेंट 15 करके 15 600 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
मल्टीप्लाई भी ले लो 960 ओके 150 अब ओपनिंग के लिए नीचे ओपनिंग 400 आएगा तो जो जवाब चेक करता है 225 आ जाता है यस परचेस के लिए ड्यूरिंग द ईयर 500 इंडेक्स 500 जो बदलो जो सेंटर विवेक आज सब मैं पूछो जब मैं अभी लिखो तो शू करसो लिखो ना मीनिंग करो लिखो का मीनिंग ये लास्ट वाला यूज हो गया 150 वाला टू लेग बचा है तो इंडेक्स आएगा 400 खास ध्यान रखो ये ब्रह्मा से एग्जाम में लिखो आवे बुक में बदला सम पीपो ना आए सर ये मात्र थोड़ा वही तो है ना बाकी ना है तो बस ये वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो बे ले कुछ लिखो धारो के ये एक्सपेरिमेंट को 3.5 लाख बदल दे તો શું થાય ધીરે પરચેસ વાળો વધે 50000 ઓપનિંગ વાળો બે ને દે સર લાગે પણ ગુડ ટપ પડે એટલે ઓવર આવી જાય હા પ્રોમોટિક 240 યસ બસ આ 345 340 આ યે યોજીએ સર લેખ કરો 650 અચ્છા ઓફિસ એક્સપેન્સ ડ્યુરિંગ ધ યર ડ્યુરિંગ ધ યર કે લિયે આપણે 180 ચાલો ડેપ્રિસિએશન માટે ઓપનિંગ ઓપનિંગ બોલો 400 કરો સેટિંગ 90 અને ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ માટે યાદ છે તમને હંમેશા એન્ડમાં જ ગણાય ધ સેમ ઇન્ડેક્સ 600 ઓકે પરફેક્ટ યાદ છે હે ચા બાજુ બોલો એ બાજુ એ તો 6310 આવે હા કીધે કઈ વાત એનો કોઈ જવાબ છે બચ્ચો સી ટુ બી નો જવાબ ચાલો સ્ટેપ નંબર 2 હોય કોને એસે જોઈએ આપણે બધા આવે બોલો એને મોનિટરી એસે વેલ ડન મોનિટરી અસેટ પર્ટીક્યુલર એક્ચ્યુઅલ કન્વર્ઝન અને ઈપીપી અચ્છા મોનિટરી અસેટ માં શું આવે પર એક ડેટર આવશે પછી કઈ નથી ઓન્લી ડેટર વેલ્યુ બોલો ડેટર ની વેલ્યુ મોનિટરી કન્વર્ટ કરો ઉપર ક્લોઝિંગ ક્લોઝિંગ ઇન્ડેક્સ ફેસો ડેટર ઓપનિંગ બેલેન્સ તો ઓપનિંગ સેટિંગ કરો અચ્છા ડેટર મે હમને લખા હે મોનિટરી માર્કેટ પ્રાઇસ ઓર મે 270 ધેટ મીન્સ ડેટર મે હમે લોસ કિતના લોસ હોગા 90 ડિફરન્સ લો તો 90 લો એટલે એમાં નુકસાન સેકન્ડ સ્ટેપ બાદ मॉनेटरी लायबिलिटी क्रेडिटर मॉनेटरी लायबिलिटी इज माय क्रेडिटर एंड डिबेंचर हैं यस चलो सबसे पहले डिबेंचर वैल्यू बोलो 2 लाख डिबेंचर 2 लाख क्रेडिटर बोलो 1 लाख क्रेडिटर 1 लाख कन्वर्ट करना हो तो इनटू 600 नीचे 400 पता जवाब जो सुन ले लो को सुन बड़ा बच्चे 600 400 डिवाइड करो परंतु मैं 600 400 डिवाइड करो
1.5 ભાઈ એનો કશું કરે સીધું 1.5 કઈ કન્ફ્યુઝિંગ હવે સિસ્ટમ બુક ની જે તમે ઇલ્યુસ્ટ્રેશન જોશો તો બધામાં 1.5 એવું લખ્યું છે ગભરાવા નહીં ટેકનિક ખાલી એટલે જ છે સિસ્ટમ છે પણ અમે કહેવા આપણે આપણા શું સિસ્ટમ છે 1.5 તમને ખબર જ ના આપણે ઉપર કરી દીધું આ તો યાદ રહી જાય ઉપર ક્લોઝિંગ નીચે ઓપનિંગ ઇન્ફોર્મેશન ઓપનિંગ અને ડ્યુરિંગ ધ યાદ રહી જાય બરાબર છે એક્સેલન્ટ टोटल करो 450 अच्छा लायबिलिटी होनी चाहिए 450 लिया 3 लाख तो कितना प्रॉफिट बनता है प्रॉफिट था 150 यस चार उसके बाद चार नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर कैश बैलेंस पर्टिकुलर्स एक्चुअल कन्वर्जन और उसके बाद सीपीबी चलो कैश बैलेंस यानी कैश से रिलेटेड पॉइंट सबसे पहले कैश में क्या आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कहां से लोगे फर्स्ट टेबल जो 97 का है कैश बैलेंस 70 नंबर बोलो ड्यूरिंग द पैसे कहां से मिलेंगे सेल्स मनी प्लस सेल्स वैल्यू एक लाख टोटल करो अच्छा पेमेंट कहां कहां करोगे बोलो सबसे पहले परचेस कैश वाला पेमेंट है ना परचेस है 3 लाख स्टॉक कैश ऊपर असर ना करे उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस की वैल्यू 150 चलो उसके बाद ऑफिस पची डेप्रिसिएशन नॉन कैश है डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट 30 लेस करो 390 ये हो गया बच्चों क्लोजिंग कैश बैलेंस जिसका जबरदस्त यूज हमें करना है बोलो 390 यस चलो कन्वर्ट करना हो हर एक वैल्यू ने यहां से डायरेक्ट ले सकते हैं हमारे सिस्टम फॉलो करते हैं हमेशा ऊपर क्लोजिंग का सिस्टम फॉलो करना ना भूलना हमें चलो अब ओपनिंग बैलेंस के लिए ऊपर ओपनिंग सेल के लिए ड्यूरिंग द ईयर 500 चलो परचेस मार्ट ड्यूरिंग द ईयर 500 ऑफिस मार्ट ड्यूरिंग द ईयर 500 डिबेंचर इंटरेस्ट एंडिंग चलो सामने से देख के लिखो तो भी चलेगा बोलो 1 लाख 5 ओके और सेल में क्या लगी 960 इधर लगा वो भी चल टोटल करो 1965 चलो फिर परचेस 360 चलो उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 180 चलो लेस करो तो जरा 495 तो जवाब चेक करो तो मैंने क्या लगा लॉस बोलो कैश में 105 1 लाख 5000 चेक करो तुम इशू अपील के होंगे ओपनिंग बैलेंस खबर अभी पर जवाब मत सुन कर लीजिए अब 195 आ जाता है मैं क्या मुझे छोड़ो डिफरेंस 195 चलो पांचवा स्टेप बोलो नेट प्रॉफिट क्या है भाई नेट प्रॉफिट यस एज पर सीपीबी जिसमें सारे पॉइंट की इफेक्ट देंगे और सीपीबी प्रॉफिट बोलो पहला ये रहा देखो ये रहा 350 ली दूं या नहीं थर्ड टाइम क्वेश्चन था यार रिपीट देना जो अब लॉस ऑफ माइनस करो ये रहा लेस लॉस ऑफ मॉनेटरी असेट माइनस 90 फिर प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट ऑफ मॉनेटरी लायबिलिटीज वैल्यू 150 प्लस डिजाइन और कैश में भी लॉस लॉस ऑफ कैश 1,05,000 प्लस माइनस करो तो बच्चों 270 ये बैलेंस शीट का नेट प्रॉफिट आ गया 270 यस ठीक है चलो आंसर चेक करियो चलो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 98 2013 एक्शन इक्विटी फर्स्ट हेडिंग आ चुका है बोलो इक्विटी एंड लायबिलिटी उसमें फर्स्ट बोलो शेयर होल्डर फंड इसके अंदर बोलो शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी कैपिटल रखो अब आपके पास फर्स्ट टेबल है देखो 97 का उठाओ इक्विटी कैपिटल चलो हमारा क्वेश्चन है इक्विटी कैपिटल में हमने कोई इंडेक्स अप्लाई किया नहीं क्या तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करो कैसे करोगे ऊपर 600 नीचे ओपनिंग इंफॉर्मेशन है 400 और तो सेकंड
750 हमें जो क्या बोल पड़ा तुम्हारे बी रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा रिजर्व है कोई और रिजर्व आपके पीछे है कोई बात नहीं ये अलग से दिया इसे भी कन्वर्ट करो इनटू 600 अपॉन 400 3 लाख और उसके बाद ले लो बच्चों की ये ना अकाउंट बी एन एल अकाउंट कहाँ से लोगे तो कोई रहा नेट प्रॉफिट करंट है तो ठीक है और सेकंड ये रहा देखो ये 315 को हमने एडजस्ट करके लिया 270 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चलो उसके बाद आएगा सेकंड हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी जिसके अंदर लेना है हमें डिबेंचर या फिर बैंक लोन डिबेंचर से अवेलेबल हो टूल है अब याद क्या रखोगे टूल है तो डिबेंचर के अंदर जो प्रॉफिट है बच्चों ऑलरेडी इधर असर आ गई है हमें यहां गया है अपना चेंज नहीं करना है सेम डॉलर और हेडिंग आउट से करंट लायबिलिटी उसमें ए ट्रेड पेबल याद है तो लग पाऊंगा अभी चल से ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर वैल्यू बोलो 1 लाख कोई चेंज हुआ पर चेंज किया सर ऑटोमेटिक यहाँ पे देखते हैं यहाँ भी जाकर अपने क्रेडिटर में सेम प्राइस रखी है उसका सीपीपी इफेक्ट आ गया टोटल करेक्ट साइड का एक आप बच्चों फर्स्ट करो एक्चुअल सिक्योरिटी 13 10 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
दो, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर फर्स्ट बोलो फिक्स्ड एसेट, वैल्यू बोलो 6 लाख, और इसको अंदर लिखते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, ये रहा 60,000, करो माइनस 5,40,000, चलो अब इसे कन्वर्ट कर दो, ऊपर 600, नीचे 400, 8,10,000, चलो उसके बाद डायरेक्ट करंट एसेट्स, करंट एसेट्स उसमें सबसे पहले ए इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मार्क क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा ना देखो 2 लाख करंट ऊपर से होगा, ध्यान रखो भूलना पड़ेगा, बी लेंगे ट्रेड रिसीवेबल, एमआर डेटर, डेटर बोलो मॉनिटरिंग प्राइस चेंज होगा ना, चेंज नो डिफरेंस आपने प्रॉफिट वाला ही लिखो, यहां आएगा सेम 180, इसके बाद आएगा सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर लिखना है हमें कैश अथवा बैंक बैलेंस, ये रहा 394.95, क्या करेंगे यस चेंज नहीं होगा ना, यहां भी 390 लिखेंगे, टोटल करो दो 310 लाख 16 लाख, 100% क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में और ध्यान कॉमर्स के केस में आएगा, कंप्लीट करो बच्चों, दिस इज कॉल्ड फुल क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट, इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो क्या होगा उसके लिए टेक्स्ट बुक का समय 69 गुजरात 18 में जोरदार समझे, और जो 18 में सो प्रॉब्लम है बताओ तुमने, 18 में सो कर से आया था डेटर नो ओपनिंग और क्लोजिंग पे आती है, डिबेंचर में ओपनिंग क्लोजिंग बेचारा कटो प्रॉब्लम था, यानी कि आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, खरे में जोरदार क्वेश्चन है, अजीब वैल्यू है, कितना लिखा पेपर अब ले लो प्लीज, मजा बे बच्चे का वो भी चल क्वेश्चन नहीं है मजा नहीं, आराम एकदम से। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।